ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा, एमपी तक में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, अभी आपने कहा कि राजगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कही है आपने कुछ समय पहले की। ऐसा अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसे संकेत मुझे दिए गए हैं। लेकिन आज मैं एक बात कहना भूल गया, गेहूँ की खरीद चालू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ की खरीद होगी, लेकिन 2270 रुपये में 2275 रुपये में गेहूँ की खरीद हो रही है, यानी कि 425 रुपये कम में हमारी गेहूँ की फसल खरीदी जा रही है। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होगा जनता के बीच में जाकर। दूसरा ये है कि इन्होंने 16 लाख करोड़ के कर्जे माफ़ किए हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट का, लेकिन किसान और मजदूर का एक पैसा भी इन्होंने का माफ़ नहीं किया है। सर, आप राजगढ़ जिले से शुरू से जुड़ाव में रहे हैं और आप यहाँ से 1984 में यहाँ से सांसद भी रहे हैं, और आपके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं, और वापस आप चुनाव में उतर रहे हैं, तो आप किस ओर, आपके मन में क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सारे लोग मुझे समर्थन देंगे, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया है, इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हमारे साथ में थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पंकज शर्मा, एमपी तक, राजगढ़।